है, स्वागत है आपका आर भारत टीवी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मिताली नायक। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर भारत टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आर के सिंह। इस समय मैं रोहतास जिले के संझौली प्रखंड के गौरी शंकर उच्च विद्यालय में उपस्थित हूं और यहां पर संझौली प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न विद्यालयों में जाकर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि जिनका भी उम्र 18 हो चुका है वह अपने मत का प्रयोग करें और वैसे ही प्रतिनिधि का चुनाव करें जो ईमानदार और सच्चे हों, अन्यथा अपना वोट बर्बाद ना करें। तो आइए हम देखते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी बच्चों को किस प्रकार शिक्षक बनकर के एक प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। जनता के द्वारा सरकार चुनते चुनी जाती है और वोट कौन देता है? सरकार कैसे चुनते हैं? वोट के द्वारा, है ना? अब वोट कौन देता है? नहीं, वोट के सब पे ले सकता है। तुम लोग कभी वोट दिए हो? देखिए, उसके लिए ये नियम बना है कि जो आदमी 18 साल का हो जाएगा उसको अधिकार है वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वाने का। तो ये देखिए, इसको बैनर पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? युवा एवं भावी निर्वाचकों के पंजीकरण है। युवा मीन्स यंग और भावी मतलब होने वाला, जो नियर फ्यूचर में जो होगा, है ना, आने वाले भविष्य में जो वोटर बनेंगे। जैसे तुम लोग हो सकता है इसमें कोई 14 साल 15 साल 16 साल का होगा, अब 2 साल 3 साल में आप लोग 18 साल के होंगे तो आप लोग को फिर अधिकार मिल जाएगा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का और आप लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नाम कैसे जुड़ता है? नाम जुड़ता है, एक फॉर्म 6 बना है, उसमें फॉर्म 6 भर करके दिया जाता है। जो भी आपने 18 साल का हो जाएगा फॉर्म 6 भर करके BNO को देता है। हर जगह लगभग 1200-1400 की जनसंख्या पर एक BNO बनाया जाता है, लोकल एक पदाधिकारी निश्चित किए जाते हैं, जिनका काम ये रहता है कि जो भी आदमी 18 साल का हो गया है उसका नाम जुड़वाना, या अगर कोई आदमी डेथ कर गया है कहीं और चला गया है, शिफ्ट कर गया है, तो उसका नाम हटाना वोटर लिस्ट से, या नाम अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो नाम सुधार करो। तो BNO ये काम करते रहते हैं उसमें। और कहीं सेविका जो आंगनबाड़ी की सेविका होती है उन लोगों को भी ये जिम्मेवारी दी गई। तो आप में से अगर जो लोग 18 साल के होंगे तो आप लोग ये ऐसा करिएगा कि आप लोग जैसे ही 18 साल के होंगे अपना नाम जुड़वाइए, और ज़रूर आपके घर में ऐसे लोग होंगे, आपके हो सकता है आपके बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, है ना, तो जो 18 साल के हो गए हों या 1 जनवरी 2023 को 18 साल के हो जाएंगे उनका आप नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाइए, बताइए कि आप अपना नाम जल्दी से जुड़वा लीजिए। इसलिए कि हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है कि हमारे यहाँ अच्छी सरकार जो चुने, है ना। एक जिम्मेवार नागरिक का क्या दायित्व? जिम्मेवार नागरिक का दायित्व है कि अच्छी सरकार चुने। अभी क्या होता है कि थोड़ा एक रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है। रॉन्ग प्रैक्टिस मीन्स के गलत तरीका ये है, हम लोग समाज में देखा जाता है कि कोई लालच दे देगा, कुछ पैसों की लालच दे दे, कोई और चीज की लालच दे दे। पहले होता था जब शराब आमतौर पर चलती थी ना, तो गरीब और जो देहाती लोग जो रहते हैं ना, मजदूर किस्म के लोग, उनको खाली एक शराब का एक पौच का लालच दे देगा उतने पर वो बिक जाता जाकर के वोट देने के लिए तैयार हो जाए, या कुछ पैसों के लालच। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर आदमी ये हो जाता है कि नहीं, हम जो है हमारे धर्म का है, हमारे जाति का है, हम उसी को वोट देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम्मेवार नागरिक का ये दायित्व है कि वो अच्छा, जो अच्छा लगे, जो समाज के लिए जिसे उम्मीद है कि अच्छा कर सकता है, ये हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, उसको चुनना चाहिए। तो ये एक जिम्मेवार नागरिक और जिम्मेवार वोटर का ये दायित्व। तो लोग टीवी पर भी देखते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस वोटर को एक पहचान पत्र देती है जिसको एपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिक। तो
देखे होंगे घर में, देखे होंगे फादर का, मदर का, या बड़े भाई वगैरह का होगा, एक पहचान पत्र रहता है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा रहता है, फिर उसके बाद नंबर रहता है, कितना नंबर है, अपने नाम, पिता का नाम, ये सभी एज वगैरह दिया रहता है, तो एक पहचान पत्र उसको मिल जाता है। वो पहचान पत्र बहुत सारे काम में आता है, कहीं भी जाइए तो कहेगा कि अपना पहचान पत्र दिखाइए, तो इलेक्शन कमीशन का पहचान पत्र रहता है, दिखा देता है। तो इसलिए तो आप लोग ऐसा करिएगा कि आप लोग जब 18 साल के हो जाइए तो अपना नाम जुड़वाइए, और अभी आपके भाई बहन जो भी हैं या और घर में कोई आदमी है जिसका नाम अभी भी छूटा हुआ तो उसका नाम आपके पास। क्या नाम है बाबू? गुड्डिया कुमारी। किस स्कूल में पढ़ते हैं? गौरी शंकर स्कूल में। कौन सा क्लास है? 11। वीडियो साहब के माध्यम से आज आप लोगों को क्या सिखाया गया? वोट वोट दिया जाता है, मतलब कि जिसका 18 साल उम्र हो जाता है उन्हीं को वोट देना है, और जिसका कमी है उनको मतलब कि पूरा करने के लिए आधार कार्ड और वोटर लिस्ट पर नाम चढ़ाने के लिए सिखाया गया है। नेहा कुमारी। किस स्कूल से? हाई स्कूल से। कौन से? ई है, गौरी शंकर प्लस टू उच्च विद्यालय संझौल, 11 क्लास। वोटर लिस्ट का नाम में जोड़ने के लिए, और मतलब जो मतलब अभी कम हुआ है उसको मतलब अगर हो जाएगा तो 1 जनवरी से जुड़ाएगा। कैसे लोगों को वोट देना है? जो मतलब अच्छे हो उनके बारे में सोचते हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बच्चों को जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गया है उसका पंजीकरण कराना उद्देश्य है। आपका परिचय सर? गौरी शंकर उच्च विद्यालय संझौली, प्रभारी प्रधानाध्यापक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी आर भारत टीवी के चीफ रिपोर्टर आर के सिंह जी को, और साथ ही साथ रिपोर्टर अक्षय बच्चन जी को, और आप सभी इस चैनल को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट भी करें।